लगा दिया है। किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा जत्था 7 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया, बीजेपी और उसके अधीन मीडिया घराने ये भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि कानून किसान हितैषी है। इसका विरोध केवल हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान संगठनों कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इस कॉर्पोरेट परस्त कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आवाज उठाई थी और आज इसने देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है। केवल किसान ही नहीं, ये आम जनता का आंदोलन बन चुका है। साथियों, हम छत्तीसगढ़ से जो साथी हैं वो सिंघू बॉर्डर में हैं और जिस तरह से केंद्र की जो सरकार है वो कॉर्पोरेट परस्त किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानून लाया है, इसके खिलाफ में पूरा देशव्यापी किसान आंदोलन जारी है। हालांकि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी जो गोदी मीडिया है ये बार बार ये दिखाने का कोशिश वो कर रहे हैं कि ये केवल हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन है, लेकिन हम यहाँ पर आकर ये बताना चाह रहे हैं कि ये केवल